ये भैया लोग मेरा चैनल का नाम पूछ रहे हैं, मैं बता दे रही हूँ। हेलो एंड नमस्ते फैम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी मोटो गर्ल। आज मैं जा रही हूँ गजल डोबा, और मैं बागडोगरा होके नहीं जा रही हूँ, मैं गोसपुकुर बाईपास होके जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा नज़दीक लगता है। क्योंकि बागडोगरा साइड से जाने से ना, मुझे पहले बागडोगरा जाना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा मुझे मेडिकल मोड़, उसके बाद मुझे जाना पड़ेगा तीन पत्ती, फिर वहाँ से आगे जाके, मतलब बहुत दूर लगता है मुझे। लेकिन मुझे ये बाईपास वाला रोड बहुत ही नज़दीक लगता है, तो मैं इधर से जा रही हूँ। मैं अभी निकली, सुबह से बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, इसलिए आज वेदर भी बहुत ही अच्छा है। बारिश होने के बाद में जो मेरे दोनों साइड के जो हरियाली, वो एकदम खिल-खिल के बाहर आ रहा है। और ये है चर्च मोड़, यहाँ पे एक नया फ्लाईओवर बन रहा है, तो उसके लिए अभी कुछ दिन में हो जाएगा ये फ्लाईओवर भी, क्योंकि यहाँ पास में स्कूल है और स्कूल छुट्टी के टाइम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है, तो फिर फ्लाईओवर की तो ज़रूरत था ही। और मुझे आज फ्यूल अप भी कराना है। चलिए सफ़र का थोड़ा गाने के साथ मज़ा ले। कोलकाता जा सकते हैं। मैं एक ऐसे जगह पे रहती हूँ जहाँ से मैं मिडल पे रहती हूँ, ठीक है। मैं नेपाल जा सकती हूँ, भूटान जा सकती हूँ, डुअर्स जा सकती हूँ, असम जा सकती हूँ, कोलकाता, मतलब सब कुछ मेरे अगल बगल में ही है। ये देखिए यहाँ पे बोर्ड है लखनऊ 981 किलोमीटर, कोलकाता 551, डलखोला 131, और ये जो रोड है ये है NH31। और ये मैं पहुँच गई गोसपुकुर मोड़, और ये गोसपुकुर पुलिस स्टेशन। अगर हम सीधा जाएंगे ना तो हम कोलकाता जा सकते हैं वो रोड पे, लेकिन हम इधर से जा रहे हैं, तो इधर से हम जा सकते हैं गजल डोबा। ये रोड मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खाली रहता है, मतलब उतना भीड़ नहीं रहता है। जैसे मैं अगर बागडोगरा साइड होके जाती तो मुझे मतलब ट्रैफिक ही ट्रैफिक मिलता है, यहाँ पे कई बार ट्रैफिक नहीं है, ये अच्छा है यहाँ का तो, और खाली भी रहता है तो जल्दी पहुंच जाते हैं। अभी अगर मैं बागडोगरा तरफ से भी जाती ना, तो अभी तक शायद बिहार मोड़ में अटकी हुई रहती, और यहाँ मैं आधा आधी रास्ते पे पहुंच ही गई हूँ। देखिए वेलकम टू महानंद बैरिज, ये है मेन। तो गाइज ये है फुलबाड़ी, और मुझे उस तरफ जाना पड़ेगा, तो ये जाएगा गजल डोबा। और वो सीधा वाला जो रोड था वो उधर से जलपाईगुड़ी जा सकते हैं। गजल डोबा जो है वो एक डैम है, मतलब वो तिस्ता नदी के ऊपर बनाया हुआ इरिगेशन प्रोजेक्ट है, और ये जो साइड में आप देख रहे हो कैनल, वो तिस्ता नदी से ही निकल के आया है, और इसी के लाइन बराबर हमें साथ साथ जाना पड़ेगा गजल डोबा तक। और
जैसे कि मैंने बोला ये इरिगेशन प्रोजेक्ट है तो काफ़ी जगह जैसे कूचबिहार हो गया, मालदा हो गया, जलपाईगुड़ी और भी बहुत कुछ जगह है जहाँ पे ये इरिगेशन के वजह से यहाँ का वो पानी जाता है। और ये जो गजलडूबा है इसको इसके थ्रू बहुत हाइड्रो पावर प्लांट भी बनाया गया है, शायद 3 हाइड्रो पावर प्लांट है। और ये जो बोर्ड देख रहे हो ये वही इरिगेशन का ही बोर्ड है। आज सुबह में बारिश हुई थी तो पानी पूरा भर चुका है। गजलडूबा यहाँ से है 18 किलोमीटर और सिलीगुड़ी से है 25 किलोमीटर। तो अगर आप सिलीगुड़ी के आसपास रहते हो तो अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हो दूर नहीं अपने घर के नज़दीक तो आप गजलडूबा ज़रूर आ सकते हो, बहुत ही सुंदर है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इस रास्ते के जो गजलडूबा के जो रोड्स है, मैं अभी कुछ देर बाद पहुँचेंगे, बहुत अच्छा है रोड। और यहाँ पे एक नया फ्लाईओवर जैसा, हाँ फ्लाईओवर ही बना है, ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, कुछ दिन पहले ही बना है। तो जब उसका काम चल रहा था तो लोग वो साइड से जाते थे, फिर वहाँ पे एक ब्रिज है, ब्रिज से फिर टर्न लेके सीधा गजलडूबा की ओर जाते थे। ब्रिज अभी हम उठेंगे ब्रिज पे, ओ बहुत ऊंचा है। और ये फ्लाईओवर खत्म होता है यहाँ पे। वेलकम टू महानंदा कैनल। मैं गजलडूबा जाने से मुझे लगता है कि मैं दीघा या पूरी ये सब में हूँ, क्योंकि जैसे दीघा मंदरमनी हो गया बीच, सॉरी पूरी, ये सब में जैसे बीच के साइड में मछली, ताज़ी ताज़ी मछली फ्राई मिलता है, तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही है गजलडूबा में, यहाँ पे ताज़ी ताज़ी मछलियों की फ्राई मिलता है। और मैंने दोनों तरफ देख रहे हो फॉरेस्ट, ये है वैकुंठपुर फॉरेस्ट। गजलडूबा अभी धीरे धीरे बहुत ही डेवलप कर रहा है, पहले कुछ नहीं था वहाँ पे और उतना भीड़ भी नहीं होता था, लेकिन अभी जैसे कि रिसेंटली कुछ बड़ा सा गेट भी बना है, इसे ओवरटेक करता है ये ट्रक, खुद तो जाएगा जाएगा, हमें भी नहीं छोड़ेगा। यहाँ पे ट्रक लॉरी बहुत ज़्यादा इस रोड में चलता है तो थोड़ा संभाल के, एक्साइटमेंट के चक्कर में मैं फ्यूल अप कराना भूल गई और मेरा जो लो फ्यूल लेवल दिखा रहा है तो यहाँ पे सामने ही लकीली यहाँ पे मिल गया एक पेट्रोल पंप, शायद नया है ये, इसका जो ग्रिप है ना बहुत ही टाइट है। इसमें तो तेल दिखा रहा है, मीटर पे दिखा रहा है लो फ्यूल लेवल। एक सौ पांच, चार पांच लीटर भी नहीं पहुंचा। फ्यूल अप हो गया, अब मैं जा रही हूँ आगे की तरफ। यहाँ पर शायद ये नया फ्यूल स्टेशन बना है, पहले नहीं था और मैं थोड़ा टेंशन में पड़ गई थी क्योंकि अभी यहाँ इधर कुछ था ही नहीं,
साला कैसा इंसान है रे, ऐसा चलाता है। ये है करोला ब्रिज, अजीब नाम है ना, करोला ब्रिज। तो यहाँ पे जो बोर्ड है वो कुछ गलत दिखा रहा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं एक बोर्ड देखी, वहाँ पे दिखा रहा था गजलडूबा 10 किलोमीटर, और अभी उससे सामने आके और एक बोर्ड देखी तो वहाँ पे लिखा है 16 किलोमीटर। तो अजीब है यार, देखो पानी कितना भर गया है और बहुत डीप है ये। गजलडूबा का जो मेन अट्रैक्शन है वो पता है क्या है आपको? बर्ड सेंचुरी। यहाँ पे अलग अलग देशों से, कहीं दूर दूर से यहाँ पे बर्ड्स आते हैं। मतलब ज़िंदगी में कभी उसका नाम आप सुने भी नहीं होंगे, ऐसे ऐसे बर्ड्स यहाँ पे आते हैं, और वो आते हैं विंटर में। अगर आप बर्ड लवर हो तो आप आ सकते हो यहाँ पे। बोटिंग करते करते आप थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब पक्षियाँ आती है। और अगर आपको बर्ड्स देखना है तो या तो आप सुबह आओ या फिर शाम को सूरज डूबने के बाद। कुछ दिन पहले गजलडूबा की ये जो रोड है वहीं पे कंगारू, ऑस्ट्रेलियन कंगारू मिला था। अब लोगों को पता ही नहीं कहाँ से आया इतना दूर से। अब समझ सकते हो कंगारू, वो भी हमारे यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन कंगारू। तो मैं अभी ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, आप लोग थोड़ा इस रोड के मज़े ले विथ म्यूज़िक। तो अभी ज़्यादा दूर नहीं है, मैं बस पहुँचने वाली हूँ। और 4:30 हो रहे हैं, तो मैं 3:30 बजे निकली थी घर से, तो ज़्यादा टाइम मुझे लगा नहीं। इधर पहले कुछ नहीं था, रिजॉर्ट रेस्टोरेंट्स कुछ नहीं था, अभी बहुत रिजॉर्ट है। और हमारे जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उनका ही एक प्रोजेक्ट है जो कि भोरे रालो, वहाँ पे रिजॉर्ट है, वहाँ पे भी अगर आप लोग आते हो यहाँ पे तो वहाँ रह सकते हो, लेकिन आपको शायद ऑनलाइन से बुकिंग करना पड़ता है। आपको दिखाई दे रहा होगा बड़ा सा गेट, ये है गजलडूबा का। ये कुछ दिन पहले ही बनाया गया है, अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं नॉर्थ बंगाल में नहीं स्विट्जरलैंड आ गई हूँ। और यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो हमें लेफ्ट लेना पड़ेगा। वेलकम टू तिस्ता बैरेज, ये राइट साइड में यहाँ पे मछली का बाजार। आप लोग अगर मछली पसंद करते हो तो आपको ताज़ी ताज़ी मछलियों के फ्राई मिल जाएंगे। यार यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो मैं बाइक रखूँ कहाँ पे? गाइस मैं गोप्रो पकड़ के दिखा रही हूँ, देखो पानी का फ्लो देखो आप। यहाँ से पानी कंट्रोल किया जाता है, और अभी तो शायद कुछ कुछ गेट्स खुले हुए हैं। यहाँ पे आई थिंक टोटल 44 गेट्स हैं, और ऊपर में वो खोलने का बंद करने का सिस्टम है, और ये बहुत लंबा है। और अब देखो दूर दूर तक पानी और पानी,
कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अगर वेदर थोड़ा सा अच्छा रहता ना तो यहाँ से कंचनजंगा का बहुत ही अच्छा व्यू दिखाई देता है। और गाइस ये बहुत बड़ा है, और वो साइड का जो पानी है वो चला जाता है बांग्लादेश में। सभी गेट्स खुला हुआ नहीं है, कुछ कुछ गेट से जा रहा है पानी, और मुझे तो डर भी लग रहा है दिखने में। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कितना स्पीड में जा रहा है, माय गॉड, बाप रे। और ये जगह मुझे मतलब बहुत हिल रहा है तो मुझे डर लग रहा है। और वो साइड का चला गया आपका बांग्लादेश में। ओ माय गॉड, इतना बड़ा है। यहाँ पे बोटिंग सिस्टम भी है, आप बोट से मतलब दूर तक जा सकते हो। इसका पानी का फ्लो दिखाती हूँ आप लोगों को, देखो ये मैंने काउंट किया, 1, 2, 3, 4, 5 गेट खुले हुए हैं और पांचों गेट से पानी उधर जा रहा है। सभी गेट नहीं खुले हुए हैं। और ये देखो आप, फ्लो देखो पानी का और साउंड। अब जाना चाहिए मुझे यहाँ से, डर लग रहा है, बहुत हिल रहा है अगर ट्रक जा रहा है साइड से तो। शीन तिस्ता बैरेज के ऊपर में सक्सी लग रहा है कितना। अभी मैं इधर ज़्यादा देर रुकूंगी नहीं, मैं वो साइड में जाऊंगी, तो चलो आप लोग को भी लेके चलती हूँ। मैं इधर आ गई हूँ, ये देखिए बहुत सारा बोट्स। मतलब आप अगर विंटर में आते हो और पक्षी देखना चाहते हो तो आपको ये बोट पे जाके, वो जो दिख रहा है थोड़ा जंगल, उसके अंदर तक जाके आपको देखना पड़ेगा। और इसका चार्ज तो पता नहीं कितना है, पूछती हूँ। अंकल कितना चार्ज है बोटिंग का? कुंटा है हाँ। কত টাকা ওটা? 150, 200? ও আচ্ছা, মানে কম বেশি দূর না গেলে 100 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে তো এখন মনে হয় পাখি নেই না, শীতকালে দেখা যাবে, শীতকালে না? কত মানে অনেক ধরনের পাখি আসে কি? আচ্ছা আচ্ছা। আর সেটার জন্য মনে ভোরের বেলা না হলে সন্ধ্যাবেলায় আসতে লাগে, মানে ওই পাখিগুলো সকাল ভোরে ভোরে না, অনেক ভোরে। তো গাইস শোনা আপ লোগোনে, ইয়াহাঁ জাদা দূর তক অগর নেই যাওগে তো 100 রুপিস, আর অগর পুরা ও ঘুমা কে লাগে আপকো তো 200 রুপিয়া পড়েগা। আর আভি তো উতনা ভিড় নেই হ্যায় লেকিন উইন্টার কে টাইমে ইয়াহাঁ পে বহুত হি জাদা ভিড় হো জাতা হ্যায়, টুরিস্ট লোগ আতে হ্যায় ইয়াহাঁ কে পক্ষি देखने, फोटोग्राफ जिनको फोटोग्राफी पसंद है, बर्ड फोटोग्राफी जिनको लेना है वो लोग आते हैं यहाँ पे। भैया लोग मेरा चैनल का नाम पूछ रहे हैं, मैं बता दे रही हूँ, दाओ अभी सर्च कर दीची। वोटिंग अबे वोटिंग এই যেটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। আচ্ছা আমি বাইক চালাই, বাইকে করে আসি এখন, ঠিক আছে, আবার আসবো শীতকালে। এখানে পাখি এখন বোর্ডিং করবেন না? না আজকে করবো না, আজকে লেট হয়ে যাবে তো। আচ্ছা এখানে তো শীতকালে অনেক বিভিন্ন ধরনের পাখি আছে। হ্যাঁ পাখি পাখি গাইড কিছু বলো কাকু। কি বলবো? বলো যে আমার মেয়েকে সাপোর্ট করো বলে দাও। হ্যাঁ আমার মেয়েকে সাপোর্ট করো, ঠিক আছে। এখানে অনেক রকমের পাখি আছে, নভেম্বর মাসের থেকে শুরু হয়, ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত থাকে। আপনারা যদি পাখি ছবি করতে চান, পাখি দেখতে চান, অবশ্যই গাজল ডোবায় আসতে পারেন। ঠিক হ্যাঁ তো গাইস আপ লোগোনে শুনা, ভাইয়া লোক বলে কি ইয়াহাঁ পে উইন্টার মে বহুত পক্ষিয়া আতি হ্যায়, তো আপ লোগ আগর ইসকে মজে লেনা চাহতে হো তো আ সকতে হো।
गजल डूबा आए और यहाँ का मछली टेस्ट नहीं किया तो फिर फ़ायदा ही क्या है। ये देखिए बहुत सारे मछलियाँ ताज़े ताज़े, ओ चिंगड़ी माछ और क्या क्या है, मुझे नाम आधे से ज़्यादा मछलियों का नाम ही नहीं पता। यहाँ पे जितने स्टॉल है सब में मछली, मतलब साइड साइड सब मछली ही है। मैं अभी प्राइस पूछूंगी कितना है। काकू एक लट दाम को तो कुंटा एटा 25 टका और ये जे एकला छोटो छोटो बोरुली एटा की भाजा करे दाओ। एकला सब ताजा माछ ने की तो गाइस जैसे पूरी दीघा ये सब में भी ऐसे ही मिलता है ताजे ताजे मछलियों के फ्राई, यहाँ पे भी सेम वैसे ही मिल रहा है। पता नहीं मुझे उतना पसंद नहीं है लेकिन फिर भी मैं एक दो ट्राई करूँगी। अगर मैं ट्राई करूँगी तो चिंगड़ी माछ ही करूँगी क्योंकि वही मुझे अच्छा लगता है। मैं वहाँ पे एक चिंगड़ी माछ खाई क्योंकि मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है ऐसे मछली फ्राई व्राई, तो ठीक ठाक ही था। पता नहीं वो लोग तो बोले ताज़ा ताज़ा मछली, लेकिन पता नहीं ताज़ा है या कितना दिन रखा हुआ है मुझे नहीं पता। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करो, और आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं विंटर में और एक बार आऊँगी यहाँ के बर्ड्स देखने के लिए। तो आज का वीडियो यहीं तक, तब तक के लिए बाय बाय।